हम जो सोचते हैं, जो प्लान करते हैं, वो होता नहीं है। जो भी होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है और प्रेजेंट सिचुएशन की वजह से होता है। गुड मॉर्निंग एवरी वन, एंड ये रहा मेरा हॉट वाटर विथ एप्पल साइडर विनेगर एंड हनी। सुबह सुबह ले लेता हूँ, थोड़ा मोटापा कम होगा और थोड़ा इम्यूनिटी बूस्टर भी है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा सुबह सुबह ले लेता हूँ। चीयर्स। सो बड़े दिनों बाद आज जल्दी उठा हूँ, 5:30 बजे उठ गया हूँ। और ऐसे ही कुछ दिनों से मैं लगभग 7 या 8 बजे उठता था, पर आज 5:30 बजे उठ गया। और कल रात मैं देख रहा था ब्रिज इन द शैडोज, आप भी देख सकते हैं, अच्छा है, अमेजोन प्राइम पे है। मेरे सब्सक्राइबर्स बोल रहे हैं कि कोरोना के ऊपर कुछ वीडियोस बनाए हैं, पर मैं क्या ही वीडियो बनाऊँ। जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा है आपके सामने है, डेली आप अपडेट्स पा रहे हैं न्यूज़ पे, तो मैं क्या ही बताऊँ आपको। ये ऐसा वर्ड हो गया है कि थोड़ा सा डिप्रेस कर लेता है मेरे को जब भी मैं इस टॉपिक के बारे में बात करता हूँ। ये लॉकडाउन तो वैसे ही चालू है, उसके ऊपर शॉटडाउन भी वैसे चालू है, कुछ मिल नहीं रहा है, हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं। ऊपर से अगर आपका मोबाइल ख़राब हो जाए तो वो और एक प्रॉब्लम, उसके ऊपर मोबाइल को आप रिपेयर नहीं कर पाए वो है और एक प्रॉब्लम, और उसके ऊपर अगर भी आपके मोबाइल थोड़ा बहुत चल जा रहा है और साथ ही नेटवर्क इशू आ जाए तो वो और एक बड़ा प्रॉब्लम। इतने प्रॉब्लम के साथ फ़िलहाल मैं चल रहा हूँ, इसी की वजह से मैं थोड़ा आजकल ब्लॉग कम डाल रहा हूँ, सिचुएशन सपोर्ट नहीं कर रहा है मेरे से। सही नहीं चल रहा है कि मेरा मोबाइल में प्रॉब्लम है या नेटवर्क में प्रॉब्लम है। तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि अगर आपके साथ भी नेटवर्क इशू हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आगे हमारा दोस्त यहाँ पर, क्या चाहिए, क्या चाहिए? चंगू मंगो, चंगो मंगो, ना करो ना। ए कौन ही दो चंद रे, भुक्कड़ सांड आज भाई साहब। ओ हेलो, तो ये बिल्लियाँ हमारे घर के सामने ही पैदा हुए हैं और जब भूख लगता है तो घर के पास आ जाते हैं, बुलाने लगते हैं, तो हम भी थोड़ा बहुत इनको खिला देते हैं। अभी का जो माहौल चल रहा है कोरोना के वजह से, तो बहुत सारे ऐसे स्ट्रीट डॉग्स हो गए, स्ट्रीट एनिमल्स हो गए, इनको खाना मिलने में बहुत तकलीफ़ हो रहा है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आपके आसपास कोई भी एनिमल्स दिख जाए, जैसे कि डॉग या गाय हो गए या ऐसे ही छोटे छोटे बिल्ली हो गए, तो प्लीज़ उनको थोड़ा बहुत दे दीजिए खाने के लिए। बिल्लियाँ तो वैसे ही घर में ज़बरदस्ती घुस के खा सकते हैं, पर कुत्ते और गाय ये खा नहीं पाएंगे। पहले की सिचुएशन अलग थे, पर अभी का सिचुएशन अलग है। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि इंसान होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उनको खिलाए, क्योंकि हमको भी कोई खिला रहा है। वैसे लास्ट 3-4 दिनों से मुझे इतना फास्ट फूड खाने का तलब लग चुका है कि मैं ढूंढ रहा हूँ मैं क्या खा सकता हूँ। क्या आई थिंक सब बंद ही है, अगर कोई होम डिलीवरी करता है तो प्लीज़ बताइए, हम भी मंगा के खाएंगे थोड़ा और आत्मा को तृप्त करेंगे। रियलाइज हुआ कि हम जो सोचते हैं, जो प्लान करते हैं, वो होता नहीं है। जो भी होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है और प्रेजेंट सिचुएशन की वजह से होता है। 6 महीनों से
हम घर में ही बंद है और ज़्यादा दूर कहीं जा नहीं पा रहे हैं, ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसा मानो कि फास्ट फूड को भूल ही चुके हैं, अभी घर में जो बन रहे हैं वही खा रहे हैं। लाइफ चेंज हो रहा है थोड़ा बहुत, पर उसके वजह से परेशानी भी बहुत आ रही है। होप फॉर द गुड, आगे जो भी होगा अच्छा होगा, और जो भी हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। ये जो बैकग्राउंड है मेरे पीछे, ये आप आने वाले कुछ दिनों में बार बार देखेंगे। फिर से लॉकडाउन आ चुका है और शायद हम बाहर घूमने भी नहीं जा सकते। अभी मेरे बैकग्राउंड में ये सब आप देखेंगे, छत के ऊपर है, अच्छा खासा बैकग्राउंड भी आ जाता है, अच्छा खासा कलर्स कंट्रास्ट भी मिल जाता है। कंटेंट्स का कमी है इसीलिए ये सब बना के चला रहे हैं कुछ, और आशा करते हैं कि आगे जाके सब ठीक हो जाए और हम भी एक नए रूप के साथ आए। तो तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए, शेयर कीजिए। बहुत सारे वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ही आज का वीडियो यहाँ ख़त्म कर लेते हैं, मैं मिलता हूँ कुछ नए वीडियो के साथ जल्द ही। तो बाय।